अमेरिका में उठा भोपाल गैस त्रासदी का मुद्दा, 12 सांसदों ने की डाउ केमिकल पर एक्शन की मांग। एमपी की राजधानी भोपाल में गैस लीक होने से हुई हजारों लोगों की मौतों की दोषी कंपनी पर मुकदमा चलने की तैयारी की जा रही है। अमेरिका के कुछ सांसदों ने इसके लिए पहल की है। गैस कांड के लिए दोषी कंपनी डाउ केमिकल पर कार्रवाई करने के लिए अमेरिकी सांसद में ही आवाज उठाई गई है। अमेरिकी सांसदों के इस कदम की गैस पीड़ित संगठनों ने सराहना कर न्याय की उम्मीद जताई है। गौरतलब है कि सन 1984 में भोपाल में यूनियन कार्बाइड यानी यूका में हुए गैस कांड में हजारों लोग मारे गए थे और लाखों लोग आज भी उसका दंश भुगत रहे हैं। भोपाल की यूनियन कार्बाइड अमेरिका की डाउ केमिकल की ही 70% हिस्सेदारी वाली कंपनी थी। अमेरिका की सांसद में सांसद रशीद तालिब सहित एक दर्जन सांसदों ने कंपनी डाउ केमिकल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की है। इसके लिए अमेरिका के न्याय विभाग को पत्र लिखा गया है। सांसदों ने कहा कि गैस हादसे में हजारों बेगुनाहों की जान गई थी, न्याय के लिए इस आपराधिक कृत्य पर कंपनी को सजा मिलनी चाहिए। भोपाल गैस त्रासदी को विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी माना जाता है। हजारों लोगों की जान जाने के बाद भी डाउ केमिकल दोहरा मापदंड अपना रही है। कंपनी भारतीय अदालतों में पेश ही नहीं हो रही। अमेरिकी सरकारों ने भी इस मामले में डाउ केमिकल पर कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि कंपनी को बचाती रही। अब अमेरिकी सांसदों ने इस पत्र के साथ डाउ केमिकल के प्रतिनिधियों को 3 अक्टूबर को भोपाल जिला अदालत में पेश होने की उम्मीद बढ़ गई है। गैस पीड़ित संगठनों ने भी अमेरिकी सांसदों के गैस पीड़ितों के साथ खड़े होने पर खुशी जताई है। संगठनों के अनुसार इस कदम से गैस पीड़ितों को न्याय मिलने की उम्मीद भी बढ़ गई है।